शादियाँ तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन आज हम जिस शादी को दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शादी में ऐसा क्या हुआ जो ये खबर बन गई। दरअसल सिवान जिले के रहने वाले विकास नामक युवक ने किन्नर से ही शादी रचाई। बताया जा रहा है कि विकास राजभर नाम का युवक किन्नर रितेश के साथ लंबे समय से रह रहा था। विकास ढोलकिया है, वो ढोलक बजाता था और रितेश नाच कर लोगों से नेक यानी कि बख्शीश मांगता था। करीब 6 महीने दोनों साथ रहे, इस दौरान इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। आज प्रेमी जोड़े ने शादी रचा ली। इस अनोखी शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रितेश से विवाह के लिए विकास अपने घर से भाग कर आया था। किन्नर समाज के लोगों के सामने दोनों का विवाह संपन्न। इस दौरान दोनों ने साथ साथ फेरे लिए और विकास ने रितेश की मांग में सिंदूर भरा। हालांकि विकास के परिजन इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं है। वही दुल्हन बनी किन्नर रितेश ने कहा कि दोनों बेइंतहा मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए शादी करने का फैसला किया। बता दें कि किन्नर रितेश जन्म से लड़का था। 1 साल पहले ही उसने दिल्ली जाकर अपना लिंग चेंज कराया था, जिसके बाद से वो किन्नर समाज के साथ ही रहता था, जहाँ रितेश से उसको प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली।